Hello friends, I am Manish Sharma, again one time here. Exercise 13.3 from 9th class CBSE, right? So, pehle video mein hum log question number 13.3, 1, 2, 3, 4 tak kar chuke the. Theek hai? Aaj hum 5 se shuru karenge, right? So, 5 se 13.3 exercise. And this is 9th class, right? This is 9th, and this is 9th class. So, ये 10th class का मैं जरा सा formula रख कर देता हूँ. Then, so question number 5. First, now we'll take question number 5. 13.3, class 9th, CBSE. Okay. We length tripling 3 meter wide will be required to make conical length to hidden height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for the stretching margin and wastage in the cutting is approximately. Right? So, a tripling cloth. सबसे पहले एक tripling cloth. Right? So, हमने ये tripling लिया. ट्रिपलिंग क्लॉथ कैसा है? एक रेक्टेंगल शेप में होता है, राइट? इसका है ना, हमारे पास क्या होता है, जब भी हम मार्केट में क्लॉथ लेने जाते हैं तो उसका लेंथ तो कितना भी ले सकते हैं, बट विड्थ हमारा फिक्स होता है. सो क्वेश्चन ने विड्थ हमको कितना दिया है? ट्रिपलिंग विड्थ इक्वल टू, मतलब दिस इज बी इक्वल टू 3 मीटर, राइट? एंड व्हाट इज द एल? एल आई डोंट नो, राइट? अब इस ट्रिपलिंग क्लॉथ में से हमने क्या बनाया? एक कॉन बनाया. ये कॉन कौन है? उसमें है, मतलब उसने बोला है कॉनिकल टेंट ऑफ द हाइट. एक टेंट है, उसके ऊपर हमको क्या करना है, इस पे कितना कपड़ा लगना है वो हमको बताना है. ये कॉनिकल टेंट है और इसका हाइट कितना दिया हुआ है? दिस इज एच. एच इक्वल टू, h इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 8 मीटर. h इक्वल टू 8 मीटर एंड बेस रेडियस दिस इज 6 मीटर. 6 मीटर दिस इज r. r 6 मीटर रेडियस. क्लियर? एंड सो एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेचिंग मार्जिन. और स्ट्रेचिंग मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा क्लॉथ मटेरियल कितना लग गया हमारे पास? Approximately 20 centimeter. So extra cloth कितना लग रहा है? 20 centimeter. But question में सारी unit काय में दिए? Meter में दिए. तो हमको इसको भी centimeter को meter में change करना पड़ेगा. 20 divided by 100 and their unit zero. So this is 0.2 meter. Clear? Understood? Then अब हम किस क्लॉथ में से? इसमें से बना रहे. तो इसका सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्लॉथ, तो क्या हो गया? दिस इज एल इनटू बी. किसके इक्वल होगा? क्योंकि हमने इसको इसके चारों तरफ इसमें से लिया है तो वो कितना हो गया? तो इसका हमारा कार्ड सरफेस एरिया मतलब ये कितना होगा? देखो ये निकाल लें तो दिस इज पाई आर और एल. पाई आर एल कार्ड सरफेस एरिया. एंड अभी हम वो निकालेंगे, बट वेयर इज एल? एल हमारे पास नहीं है. देन हाउ टू फाइंड एल? सो वी नो दैट एल इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स 8. 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस आर स्क्वायर 6 6 into 6 36. देन दैट इज 100. This is 100 and therefore 100 का रूट क्या होता है? 10 सेंटीमीटर. सो एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ किसका? ट्रिपलिंग का. एल इंटू बी, बी इक्वल टू क्वेश्चन गिवन 3, क्योंकि इसमें से ही ये बन रहा है और जो बचेगा वो कितना? एक्स्ट्रा 2. सो पाई इक्वल टू, पाई कितना दिया क्वेश्चन ने? 3.14. एंड आर 6 मीटर इनटू एल, एल इक्वल टू 10
then after decimal, two digit, then decimal remove, then L equal to 314 into 6 into 10 upon 100, और यहाँ पे अपॉन क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, देन क्या होगा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 2 जा 6, देन कितना आ गया 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो 628 अपॉन 10, सो दिस इज वी कैन राइट नाउ 62.8 काय में चल रहा है मीटर, इतना क्लॉथ तो हमको लगेगा काय में, मतलब इस 62.8 मीटर, दिस इज द क्या होगी एल, किसका, उस ट्रिपलिंग का 62.8 मीटर, बट एक्स्ट्रा कितना है 0.2 मीटर और एक्स्ट्रा, तो यहां लिख देंगे टोटल लेंथ इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, सो दिस इज 63 मीटर, राइट, दिस इज योर आंसर 63 मीटर, चेक योर आंसर, ओके 63 मीटर राइट आंसर, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके, देन नाउ इसको मैं राउंड कर देता हूं, देन नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ओके कॉनिकल टॉम, सो दिस इज कॉनिकल टॉम, देखो ये कौन हो गया और ये दिया हुआ है और ये हमारे पास है, राइट, दिस इज आर एंड ये आर है और दिस इज एच, अब उसने क्या दिया हुआ है हमारे पास कि द स्लेंट हाइट एंड बेस, स्लेंट हाइट कितना दिया है 25 मीटर, दिस इज एल, एल इक्वल टू कितना दिया है 25 मीटर एंड डायमीटर 14 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक दिस इज, ये कितना दिया है उसने हमारे पास 14 मीटर, राइट, यहां से एंड 14 मीटर दिया हुआ है, अब उसने क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश कॉस्ट कितना है, यहां लिख दीजिए व्हाइट वॉश कॉस्ट इक्वल टू या रेट, सॉरी व्हाइट वॉश रेट मान लीजिए उसको, है ना, रेट आएगा आर ए टी ई, रेट कितना है 210 का रुपीस, 210 रुपीस में कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश होता है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे उसमें फिर उस एरिया में क्या करना पड़ेगा हमको 210 का इनटू और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको क्यों ना कुछ डायरेक्ट करें, तो यहां लिख दीजिए टोटल डायरेक्ट, टोटल वाइट, टोटल वाइट वॉश रेट, या हाँ रेट चले दो रेट, कितना है टोटल वाइट वॉश रेट इक्वल टू, सबसे पहले तो 210 जो भी हमारा आएगा उसमें हम कितने का इंटू करेंगे 210 और 100 से डिवाइड करेंगे और ये काय में चल रहा है मीटर में चल रहा है, इंटू हमारा फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल, आर हमारे पास कितना है, जब डायमीटर इक्वल टू 14 मीटर है तो आर इक्वल टू 7 मीटर, तो क्या हो गया हमारे पास पाई, पाई का वैल्यू कितना दिया है उसने बोला है अपने को नहीं दिया, तो 22 अपॉन 7 इनटू, है ना,
R means 7 and L means L equal to 25. 7 to 7 cut, right? ये इतना इतना क्या है? इतना है curved surface area of cos pi R L, right? और 210 क्या है? 100 मीटर स्क्वायर का रेट है. तो हमने 7 to 7 कट हो गया. अब क्या बचा हमारे 0 to 0 कट हो गया. This is 21 upon 10 into 25 to the 50 carry 5, 25 to the 50 or 550, 510 to 10 cut, then into कर दें 1515 and 25 to 10, 25 to 10 1, 115511. तो कितना गया? रुपीस 1155, 1155 रुपीस हमको इसका देना पड़ेगा. सही है कि नहीं? अब हम देख लेते हैं. बिल्कुल राइट आंसर, एकदम सॉलिड, छोटा भी हो गया. टोटल वाइट वॉश का हमने रेट भी निकाल दिया है ना. इतना पैसा हमको इसको वाइट वॉश कराने में देना पड़ेगा. समझ में आ गया सभी को? ओके, देन नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में ए जोकर क्या इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन. तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 इन जोकर के, जोकर के, अब जोकर के केप आपने सबने देखा होगा, ऐसा सिलेंडर कॉन शेप में होता है. ये रेडियस होता है, ये देखो. अब उसका हमको क्या दिया, उसने मेजरमेंट दिया है बेस का, कितना दिया है? दिस इज द आर, आर इक्वल टू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर. एंड फिर क्या दिया है? हाइट 24 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक. दिस इज एच, ये कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स. हमको 10 कैप बनवानी है. तो 10 कैप बनवानी है मतलब, एक मिनट, कॉमा एस, नंबर ऑफ कैप कितनी बनवानी है? 10. और उसमें कितनी सीट को रिक्वायरमेंट होगा, हमको कितनी सीट लगेगी, ये हमको बताना है. तो कैसे बताएं सर हम लोग? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन, वन कॉन में हमको कितना सीट लगेगा? दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन. तो हम यहां लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है. हमको मालूम है पाई आर और एल, हमारे पास फॉर्मूला है, राइट. अब हमने क्या किया, पाई इक्वल टू कितना है? 22 अपॉन 7 एंड आर इक्वल टू 7 एंड एल इक्वल टू, आई डोंट नो एल, सो वेयर इज एल? सो वी नो दैट एल इक्वल टू रूट h square plus r square, then this is h, h means 24, 24 square means 576 plus r square, 7 into 7, 49, so this is 9, 6, 15, 5, 7, 4, 11 and 2 and 5, 1, 6, 6, 2, 5, then this is 25, value of l equal to 25 centimeter, so this is 25. Value of L, 7 to 7 cut, then 25 to the 50, 25 to the 50 carry 5, 25 to the 50 and 5, 55 centimeter square. Curved surface area of one cone. This is the curved surface area of one cone. Sorry, one cone, है ना? Therefore, curved surface area of 10 jokers cap, 10 caps equal to क्या हो जाएगा? 10 into 550, so this is 5520 centimeter square. हमको 10 joker cap बनाने में कितना लगेगा? 5500 centimeter square. कुछ दिक्कत आई क्या इसमें? Simple question है ना? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको दिमाग से सोचना होता है एक्चुअली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. जब तक हम उसके क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेंगे
किसी भी वर्क को करने के पहले हम लोग फील्डिंग जमाते हैं कि नहीं, कि इस वर्क को हमें कैसे करना है ना। तो वही इसमें है हमको। अब हम क्वेश्चन का इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुड, दिस इज द राइट आंसर। सो नाउ 13.3 लास्ट क्वेश्चन, 13.3 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम क्या है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कॉन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। वन बैरिकेड, कैसा बैरिकेड है? कॉनिकल। इन एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द आई थिंक 9th क्वेश्चन, नो सॉरी 8th क्वेश्चन। इन कॉनिकल बैरिकेड, कॉनिकल बैरिकेड मतलब आपने देखा होगा रोड किनारे जब ट्रैफिक वाले पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो गाड़ियों को रोकते हैं, तो रोकते साइड में उन्होंने जैसे कहीं रास्ता चेंज करना है या किसी गाड़ी को स्लो करवाना है, तो उस जगह वो क्या करते हैं, इस टाइप के बैरिकेड रखते हैं, है ना। ये सिलेंड्रिकल और कौन शेप में, दिस इज हाइट, ये इसका हाइट है और ये आर है, दिस इज एच और दिस इज एल। अब हमारे पास ये है कि करना क्या है, तो नंबर ऑफ टोटल बैरिकेड्स कितने, नंबर ऑफ टोटल या लिख दो नंबर ऑफ बी ए डबल आर आई सी ए डी ई डी बैरिकेड क्रेडिट इक्वल टू 50। 50 बैरिकेड है राइट ना। एंड अब उसमें बोला है और डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक दिस इज द 40 सेंटीमीटर, ये हमको डायमीटर दिया है। देयरफॉर 40 सेंटीमीटर डायमीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक, ओ से लेकर ए तक का कितना होगा रेडियस 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट 1 मीटर और हाइट h इक्वल टू दिस इज 1 मीटर राइट, h इक्वल टू 1 मीटर। और क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इन 50 बैरिकेड के ऊपर हमको पेंट कराना है। क्या कराना है हमको, पेंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, अब पेंट का रेट क्या दिया है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पेंट रेट, यहां लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट रेट, रेट इक्वल टू क्या लिखा है रुपीज 20 रुपीज का 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में हम लोग वो लोग पेंट करते हैं। और एक और कंडीशन दी, पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। एंड एक और कंडीशन दी है, वन मोर रूट 1.04 जहां भी आएगा इस क्वेश्चन में उसकी जगह हमको क्या लिखना है 1.02 राइट करना है। ये सब काय में आ गया, गिवन में आ गया हमारे पास, ठीक है ना, सही समझ में आ रहा है। ओके देन अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले कट सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन मतलब वन कॉनिकल बैरिकेड का निकालना है। हम यहां लिख देंगे कट सरफेस एरिया ऑफ वन बैरिकेड इक्वल टू, बैरिकेड किस शेप में, कौन शेप में, तो कौन का कट सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल हमारे पास नहीं है तो हाउ टू फाइंड एल, देन एल इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन एल इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मींस आपके पास 1 मीटर। अच्छा एक चीज और, रेट काय में दिया है हमको, मीटर में दिया है, तो हमारा जो सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 20 सेंटीमीटर और चेंज इन इसको हम अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर हो जाता है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सिंपल सी चीज है ना। तो 10 टू 0 कट, देन दिस इज 0.2 मीटर। तो एल एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास 1,
1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू क्या 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04, सो दिस इज 1.04 और 1.04 क्वेश्चन गिवन यू विल टेक 1.02 का ही आएगा जो भी हो l का सब मीटर में चल रहा है तो मीटर लिख दीजिए राइट एंड अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं देन पाई मींस 3.14 पहले ही मेंशन कर रखा है एंड r इक्वल टू कितना है 0.2 मीटर इनटू l 1.02 क्लियर देन आफ्टर डेसिमल टू डिजिट 20 आफ्टर डेसिमल वन डिजिट आफ्टर डेसिमल टू डिजिट रिमूव द डेसिमल सिंपल ना अब हम क्या करते हैं ये तो किसका आ गया कट सरफेस एरिया ऑफ वन बैरिकेड अब हम टोटल कितने बैरिकेड है 50 राइट 50 बैरिकेड का निकाल लेते हैं तो यहां लिख देते हैं कट सरफेस एरिया ऑफ 50 बैरिकेड्स ये शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए देन तो 50 इनटू 314 अपॉन 100 इनटू 2 अपॉन 10 इनटू 100 2 अपॉन 100 देखिए आपको समझ में आ गया एक मिनट मैं जरा सा इसमें इंक डालूं जब तक आप लोग देखिए आपको सब समझ में आ रहा है एक नजर धीरे से देखिए क्या है क्या नहीं राइट हो गया ओके देन हमको कुछ इस तरीके से कट करना होता है कि हमको क्वेश्चन इजी हो जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पूरा कट कर देते हैं हम पूरा कट नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं क्योंकि सब हमको समय भी बचाना होता है एग्जाम में और हमारा स्पीड भी तो जीरो से जीरो कट कर दीजिए सिंपल पड़ जाएगा राइट अब कुछ ऐसा करें जैसे हमने कर दिया 5 2 10 एंड 0 फिर 2 से काट दीजिए 2 10 राइट अब हम कुछ नहीं करेंगे तो हमने क्या कर दिया देखो 314 इंटू 102 करो 314 इंटू 102 सो 24 जाए 8 2 1 जाए 1 2 3 जाए 6 1 2 3 एंड नेक्स्ट 14 जाए 4 11 जाए 1 13 जाए 3 तो 8 2 एंड 2 एंड 3 2 0 2 8 ये हमारा आ रहा है क्या हो गया 3 2 0 2 8 अपॉन कितना आ रहा है 1000 और ये काय में चल रहा है मीटर स्क्वायर ठीक है ये तो आ गया 50 बैरिकेड्स का अब हमारे पास वन बैरिकेड ये कितना मीटर स्क्वायर आएगा और 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग रेट क्या है 20 हम इनटू करके देख लेते हैं तो देखें अब यहां लिख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट रेट इक्वल टू रुपीस 20 देयरफॉर इतने मीटर स्क्वायर है देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा हम देख लेते हैं ओके देन हमने देखा तो कितना मीटर स्क्वायर 32028 अपॉन 1000 मीटर स्क्वायर पेंट रेट कितना हो जाएगा 20 का इंटू कर दीजिए 32028 अपॉन 1000 जीरो से जीरो कट कर दीजिए देन ये रुपए आएगा तो कितना हो गया 2 का इंटू करो 28 जा 16 2 2 जा 4 1 5 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6 राइट इतना कुछ आएगा हमारे पास देखें हम जरा क्या आ रहा है 13.384 समथिंग तो कहां मिस्टेक आ रहा है अच्छा ओके ओके 320 ना तो यहां पे हमारा अगर हमने किया तो 12 into 50 20 रुपीस थोड़ी है 1 मीटर स्क्वायर का रेट इसमें कितना दिया है 12 रुपीस पर मीटर ना सॉरी हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया भाई हमें यहाँ पे मिस्टेक हो गया है हमें क्या करना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर का रेट 12 रुपीस दिया यार हमने कितना लिखा है 12 रुपीस सॉरी है ना तो 12 से इंटू करना पड़ेगा यार तो ये हो गया आपका 12 ठीक है तो अभी इसको मत काटो आप तो ये हो गया 1000 अब अपन देख लेते हैं
तो कितना हो गया देखें जरा, 12 जा 96 कैरी 9, 12 टू जा 24 और 9 9 4 जा 13 3 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3, तो 33 का 3 फिर कैरी 3 आ गया हमारे पास एंड, तो 12 टू जा 24 24 25 कितना हो गया 12 जा 96 का 6 कैरी 9, 12 टू जा 24 और 9 3 33 हो गया एंड 12 टू जा 24 का 4 कैरी 2, 12 थ्री जा 36 और 2 38, तो हमारे अब नीचे कितना है ये देखो 1000 है ना, तो डेसिमल कितना है 1 2 3, इतना 384 रुपीज 336 समथिंग, चेक कर लेते हैं ओके 384 रुपीज 34 ओके अप्रोक्स आ रहा है ना ओके नो टेंशन। सो इतने रुपए हमको 50 वेरिकेट्स को पेंट करने के लिए हमको देना पड़ेगा ओके सो आज हमने आपका चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम कंप्लीट कर दिया, इसका एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज विद एक्सरसाइज 13.4 ओके वेलकम थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें, धन्यवाद।